नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018, दोस्तों ANM और GNM की फाइनल लिस्ट नियुक्ति, तो इसके लिए संघर्ष जारी है और जल्द यहां पर लिस्ट जारी की जा सकती है। क्या जानकारी है पूरी की पूरी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जी राजस्थान न्यूज़, ये कल की जानकारी है, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन से जुड़ी खबर। तो इनके जो प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी से मुलाकात की और नर्सेज संवर्ग की नर्सिंग अधीक्षक पदों की 6 वर्षों से लंबित DPC केंद्र के अनुरूप नर्स श्रेणी द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर करने का लिए ज्ञापन दिया है, क्योंकि राजस्थान में इसे नर्स ग्रेड सेकेंड के नाम से अब तक जाना जाता रहा है, जबकि सेंटर ने इसका नाम बदल करके नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर कर दिया है। तो इसके लिए मांग की दूसरी मांग देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, नर्स श्रेणी प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कराने, ANM और नर्स श्रेणी द्वितीय की नियुक्ति शीघ्र कराने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह, जयपुर जिले अध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी के नेतृत्व में हुई मुलाकात, मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन दिया गया है। तो ANM और GNM की शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है। दूसरी यहाँ पर देख सकते हैं, नर्स ग्रेड 2 2018 के प्रोविजनल सूची और अंतिम मेरिट सूची दिवाली से पहले अतिशीघ्र निकलवाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आज अजमेर टीम ने मिलकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को ज्ञापन दिया, तो ये लोगों ने इनको ज्ञापन दिया है, फोटोज आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी थी, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आप लोग अपने स्तर पर भी ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात दूसरी, यहाँ पर एक और अपडेट था आचार संहिता का निकाय चुनाव की, ये 25 या 26 अक्टूबर को लागू की जा सकती है, निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों देखिए, अब आचार संहिता का जैसे ही नाम आता है तो आप लोग थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि ये अब लिस्ट नहीं आ सकती। तो इसके लिए एक जानकारी के लिए आपके लिए बता दूँ, निकाय चुनावों की आचार संहिता में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी जो नियुक्ति है वो इसमें नहीं हो सकती, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होगी। तो ये फैक्ट है कि जो प्रोविजनल लिस्ट है या रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। बाकी हमने तो ये भी देखा है कि हर चीज़ें अटक जाती हैं, रिजल्ट के लिए भी परमिशन लेनी होती है आचार संहिता में, लेकिन सब कुछ गवर्नमेंट के स्तर का मामला है। अब वो देखते हैं कि निकाय चुनावों से पहले ये लिस्ट आती है या नहीं आती है, लेकिन जानकारी ये है कि लिस्ट जारी की जा सकती है आचार संहिता में भी, ये बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ANM और GNM भर्ती से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।